यार मुझे एक बात का जवाब दे दो कि तबलीगी जमात खराब, बहुत खराब है, ठीक है? इस जमात के खराब होने से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी मुस्लिम समुदाय 25 करोड़ का, ये साला कैसे खराब हो गया? कैसे खराब हो गया? मतलब ये तबलीगी जमात की जो हिस्ट्री है वो 100 साल से ज़्यादा की नहीं है, ठीक है? कोई कोई देवबंदी मूवमेंट था, ठीक है, वहाँ किसी इल्यास नाम के बंदे ने इसको शुरू किया, इस तबलीगी जमात को शुरू किया, भैया हम तो फैलाएंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे, ठीक है? गलती इतनी सी हो गई कि वो इल्यास था, वो मुस्लिम था, और कोई इसमें वो नहीं है, ना तो वो कुरान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है, ना किसी अल्लाह के रसूल पर ज़्यादा ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है? जमाती खराब है तो जमाती की बोलो, है ना? मैं जब भी कोई पोस्ट डालता हूँ फेसबुक पे या कहीं भी, तो मैं मुस्लिम नहीं डालता, इस्लाम नहीं डालता, सिर्फ जमाती डालता हूँ, क्योंकि तो जमाती खराब है, और जो खराब है वो खराब है, इसमें कोई उनको बदनाम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई जब आती है, जब आप पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर देते हो, यार ये क्या बात चल रही है? मेरे कई दोस्त, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, भरतपुर से भी हैं, जयपुर से भी हैं, बॉम्बे से भी हैं, जो मुस्लिम्स हैं, और भैया मुझे, मेरे संग तो उन्होंने कुछ खराब नहीं किया, और ना मैंने देखा कि उन्होंने कभी किसी के खराब किया हो, नहीं किया यार, नहीं किया। एक छोटी सी एक चीज़ से, एक छोटे से समुदाय से पूरी कम्युनिटी खराब नहीं हो जाती। मैं जाट हूँ, और जाट बहुत बदनाम है, दंगा कर दिया, किसी को पीट दिया, ये हो गया, वो हो गया, लोग जाटों को बहुत गाली देते हैं। अब मैं सोचता हूँ यार कि जरा, मैं तो खराब नहीं, मैं कभी दंगा नहीं किया, कभी लड़ाई नहीं करी, कुछ खराब चीज़ नहीं की, ठीक है, तो मैं खराब कैसे हो गया? खराब कौन हुए? वो पर्टिकुलर 20-30 लोग जिन्होंने उस मौके पे दंगा किया, ठीक है? अब अफसोस की बात यह है कि सब जाट निकल गए, सब जाट होंगे, या गुजर हैं, या राजपूत हैं, जो भी है, ठीक है, कुछ 20-30 लोग होंगे वैसे, यार पूरी पूरी कास्ट थोड़ी बदनाम होती है। ये किस तरह की खराब सोच है ये? मीडिया भड़काया जा रही है, लोग भड़के जा रहे हैं, मुझे बहुत बायकॉट, बहुत दुख होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। पहली बार जब मेरा स्कूल में दाखिला हुआ ना, जब मैं 4.25 साल का था, ठीक है, पापा मम्मी शौक शौक में महीने भर के लिए मुझे स्कूल छोड़ने गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये रिक्शे वाले हैं, और ये तो तेरे को स्कूल तक छोड़ के आएंगे, ठीक है। रिक्शे वाले भाई साहब का नाम था मोहम्मद जमील। अब देखो, 3.5 साल का बच्चा है ना, उसको एक मुसलमान ले जा रहा है, और वो जमील भाई साहब वो इतने प्यारे थे, मेरा बैग कंधे पर टांग के वो मुझे पैदल 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 हाथ पकड़ के, मेरी उंगली पकड़ के मेरी क्लास तक लेके जाते थे। छुट्टी होते ही 5 मिनट पहले मेरे क्लास क्लास के दरवाजे के बाहर आते थे, मेरा बैग लेते थे, और मुझे वापस अपने रिक्शे में बैठाते थे, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते थे, ठीक है, मुझे गोदी में उठाते थे। मैं कैसे बोल दूँ यार कि मुस्लिम खराब होते हैं? नामुमकिन चीज़ है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप तबलीगी जमातियों की वजह से आप पूरे मुस्लिम समुदाय को खराब बोल दो। हैं, कितने कितने फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हमारे हमारे कंट्री में जो मुस्लिम्स थे यार, हैं, उनका खून बहा है, ठीक है। मेरे कितने दोस्त हैं, मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा अगर अगर कुछ भी इस तरह से हो गया तो, मतलब पूरी कम्युनिटी बदनाम हो गई तो। नहीं है, गलत है ये। तबलीगी जमात वाले या कोई भी ऐसे ऐसे लोग जो कट्टरपंथ हैं, ठीक है, जिन्होंने ना तो कुरान पढ़ी है, ना वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, बस इस्लाम का टैग अपने माथे पे, अपने माथे पे लगा के बैठे गए हैं, और पूरी समुदाय को, पूरे वर्ल्ड वाइड पूरी कंट्री को खराब कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, इस्लाम की नहीं हूँ। बुरखा पहनना मुझे लगता है पर्सनली गलत है, ठीक है। अब इसको मैं एक टैग नहीं कर दूंगा यार कि भाई बुरखा मत पहनो, बुरखा मत पहनो, गलत है, गलत है, 4 शादियाँ करना, तलाक 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 करना, ये गलत है, और ऐसी ऐसी खराब, ऐसी ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हर धर्म में होती हैं। हिंदू आज भी कुछ ऐसी कास्ट हैं जो बकरे को काटती हैं, देवी को चढ़ा देती हैं, वो सब खून पियो देवी। अबे तो थोड़ी है कि यार पूरा ही हिंदुज्म खराब हो जाएगा उससे। खराब तो हो रहा है ना, जानवर मर रहा है एक देवी को प्रसन्न करने के लिए, तो खराब तो हो ही रहा है इसमें। है, देवी देवताओं पे लोग दारू चढ़ाते हैं, बहुत कल्चर है ऐसे हिंदुओं में, खराब है तो है भाई। बुद्धा बनो, बुद्धू मत बनो, बुद्धि का इस्तेमाल करो,
एक किसी छोटी सी चीज से, किसी छोटे से कुछ लोगों से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना बहुत ही गलत है। अभी कल ही न्यूज़ में आया है कि बीजेपी का कोई एमएलए एमपी था, पता नहीं कौन था, उसका बर्थडे बनाने के लिए 100 लोग 150 लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब कहाँ गया आपकी लॉकडाउन, अब कहाँ गया आपका सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ गया? वो मुस्लिम जमाती हैं, ये साले बीजेपी की जमाती हैं, है तो सही? ऐसा नहीं यार, ये थोड़ा इतने बहकावे मत आओ, अपने कॉन्शियसनेस को अपने जागरूक करो, ठीक है, अपनी बुद्धि को ऊपर उठाओ और सोचो, धर्म से ऊपर उठ के सोचो, ये चल क्या रहा है? सिर्फ आपके माइंड से खेला जा रहा है और कुछ नहीं है, नहीं है कुछ भी ऐसा। कोई मुस्लिम खराब नहीं है, बहुत अजीज दोस्त है मेरे, बहुत प्यारे दोस्त है मेरे, नहीं है ऐसा, समझो बात को।